हर खतरनाक रास्ते के बाद एक हसीन जगह। फैदल भाई सही है, सही मसाज हो रहा है। और हम निकल रहे हैं रानीकोट की राइड के लिए। बस में सुबह थोड़ा जल्दी में निकला था तो नाश्ता मिस हो गया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ खोल लें। ये लूज हो गया, आई थिंक एक नट गिर गया। हाँ, रास्ते में खड्डा था बड़ा डेंजर किस्म का, तकरीबन सबकी बाइकें वहाँ लगी हैं। खड्डा नहीं, हवा भर रही है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ रहे हैं निकल रही है वापस। निकल गए वहाँ से। ओए होए होए होए, पानी भी ठंडा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, फ्रेश गुड मॉर्निंग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ, तो इस वक्त 7:15 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं रानीकोट की राइड के लिए। सबसे पहले मुझे पहुंचना है कराची टूल प्लाज़ा, जहाँ मेरे और भी बाइकर हजरात वेट कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ से जमा होकर सब साथ ही राइड स्टार्ट लेंगे रानीकोट के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है रास्ते से एक फ्रेंड को पिक करने, बाइकर फ्रेंड है मेरा, तो उसकी गाड़ी थोड़ी मिसिंग कर रही है। तो मैंने कहा कोई नो इशू, साथ में हम चलते हैं राइड करते हैं। वैसे भी कोई ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो है नहीं, तो पहले मैं जा रहा हूँ अपने उस फ्रेंड को पिक करने, फिर वहाँ से हम चलेंगे कराची टू प्लाज़ा, फिर वहाँ से हम सारे बाइकर ज्वाइन होकर एक साथ निकलेंगे रानीकोट की राइड के लिए नाजोबाद अंडर बाईपास क्रॉस करते हुए। अच्छा, हमारा जो डिस्टेंस है कराची से रानीकोट अराउंड 310 से 320 किलोमीटर है, तो कोशिश है हमारी कि हम ज़्यादा नॉर्मल स्पीड में भी जाएं तो असर तक पहुंच जाएंगे। चलें जी, अपने फ्रेंड को पिक कर लिया हमने और हम जा रहे हैं टू प्लाज़ा अपने बाकी बाइकर फ्रेंड्स को ज्वाइन करने। बच्ची भाई, बच्ची भाई, भाई साथ का बस में सुबह थोड़ा जल्दी में निकला था तो नाश्ता मिस हो गया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ खोल लें। आज ही हम राइड का आगाज कर रहे हैं रानीकोट फोर्ट के लिए, और वहाँ हमारे बहुत से बाइकर कम्युनिटीज ज्वाइन करेंगे हमें, तो इंशाल्लाह राइड का मजा आने वाला है। मुलाकात करते हैं आपसे। चलें जी, रानीकोट की राइड का स्टार्ट हो गया है। अब हम कराची टूर प्लाजा से रवाना हो चुके हैं रानीकोट के लिए। अगला स्टॉप होगा हमारा सन सिटी, वहाँ हमें बाकी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, देन हम लंच करके फिर रानीकोट के लिए रवाना होंगे। इस वक्त हम जामशोरो से गुज़र रहे हैं, गर्मी आज काफ़ी हो रही है। यार गर्मी बहुत हो रही है, उम्मीद है जहाँ जा रहे हैं वहाँ मौसम नॉर्मल हो, क्योंकि अभी तो शायद हमने सेफ्टी गियर्स पहने हुए हैं, इस वजह से हमें गर्मी लग रही है।
हाँ तो गाइस हम पहुंच गए हैं फाइनली सन सिटी, और माशाल्लाह यहाँ और भी बाकी बाइकर हजरात मौजूद हैं जो पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे छोटा सा सबके साथ गेट टुगेदर होगा और लंच करेंगे, और फिर चाय के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे रानीकोट के लिए। बाकी यहाँ का माहौल बाकी देख लें, एक से एक बाइक यहाँ पे नज़र आ रही है माशाल्लाह से। YBR 150 GS और RX3, इस बारिश अभी यहाँ पर हो जाएगी। जो जो टूरिंग बाइक्स हैं तकरीबन यहाँ पे हर मॉडल की बाइक यहाँ नज़र आ रही है। हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि हमारी बाइक का चैन कवर जरा है, ये लूज हो गया इसका, आई थिंक एक नट गिर गया, तो इसको भी हम रिपेयर करते हैं, क्योंकि शुक्र हम साथ रखते हैं कुछ इस वेयर में सामान उठा के लाए थे, तो इसको रिपेयर करते हैं। ये कि जब भी टूर पे निकलें तो अपने साथ ना कुछ एक्स्ट्रा नट बोल्ट लेके निकलें, और बहुत सी ऐसी चीज़ें सेफ्टी के लिए ना एहतियातन साथ लेके निकला करें, काम आ जाती हैं। सन सिटी में हमने लंच कर लिया, चाय भी पी ली है, अब सारे बाइकर तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं फाइनली रानीकोट के लिए। दोपहर का टाइम है, मौसम थोड़ा सा गर्म ही है। यहाँ सन सिटी से रानीकोट का 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग ही है, लेकिन इतना ख़ास ऑफ रोड नहीं है, सही है। ये सेवन वाला रोड ही है, ये रोड पे सीधा जाते जाएँ तो आगे सेवन आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से अभी लेफ्ट हो जाएंगे, आगे थोड़ी ऑफ रोडिंग मिलेगी हमें।
रोड का काम तो चल रहा है अभी, इससे पहले हम आए थे तो काफ़ी ख़राब था, अब ये कि काम चल रहा है। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो रोड काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। अभी भी सही है, काम अभी चल रहा है इस पर। हाँ, रास्ते में खड्डा था बड़ा डेंजर किस्म का, तकरीबन सबकी बाइकें वहाँ लगी हैं खड्डे में, टायर डिस्टर्ब हुए हैं सबके, तो एक गाड़ी हमारी ज़रा उनका टायर डिस्टर्ब हुआ। नहीं, हवा भर रही है लेकिन जैसे ही हम छोड़ रहे ना निकल रही है, ट्यूबलेस है क्या? नहीं नहीं, पिछला ट्यूबलेस है, अगला जो ट्यूब है। ये रहा, मिल गया। चलें जी, पंचर तो हमने लगा दिया है, जैसे तैसे करके गुजारा हो गया है। अब हम रनीकोट की तरफ रवाना है। बस रनीकोट आने वाला है, दो पॉइंट है, रनीकोट और मैरीकोट, दोनों हम आज विजिट करेंगे। कुछ की दूरी पर है रनीकोट और शाम होने वाली है, उम्मीद है अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए। देखेंगे, हम कोशिश करेंगे सुबह ना फर्स्ट टाइम हम आके इन किलों का विजिट करें। हम अभी जा रहे हैं मैरीकोट में, और वापसी हमारी यहीं से होगी, तो एज सून पॉसिबल हुआ तो हम वहाँ पे आएंगे और ऊपर किलों में चल के विजिट करेंगे। थोड़ी सी ऑफरोडिंग है लेकिन इतने टफ नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। तो इसका जो मेन किला है हमारा वीटी उसी तरफ है, हम रात उसके भी वहीं करेंगे कैंप लगा के। वाटर क्रॉसिंग, बहुत अहली वाटर क्रॉसिंग आ गई जिसकी वजह से सारे डरते हैं जाते आने से। ये देखिए गाइस, बहुत जोर बहुत ज़्यादा हो, होए होए होए, पानी भी ठंडा है, होए होए, पाओ गाड़ी नहीं तो लोग। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है किलों की यार। ये तो पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर अर्तुगरुल वादी ना मिल जाए मुझे। ये देखो माशा, हमारे सारे बड़ी पहुँचे हुए हैं यहाँ, ऐसे लग रहा है जैसे बाइक देख के ऐसे सदर की पार्किंग पे आ गए, हम पार्किंग प्लाजा में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने वाले झूलों की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले भाई अपना कैंप साइट ढूंढते हैं, कैंप के लिए जगह ढूंढते हैं अपनी। सुभान अल्लाह, क्या सुकून है, पुरसकून शाम है यहाँ की तो माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, इनकी हिस्ट्री पता करनी है इन किलों की, किसकी वजह क्या है, किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। जी ये सारे कैंप लग चुके हैं और नाइट व्यू चेक करें, आई होप आपको नज़र आ रहा हो। हाँ तो नाज़रीन, हमने अपना कैंप लगा दिया, रात हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कैंप है, उम्मीद है आपको कैंप साइट नज़र आ जाए। बाहर भी काफ़ी कैंप लग गए हैं लेकिन अंधेरा है, अभी थोड़ा लाइट का सिस्टम करते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये हमारा कैंप साइट है, ये हमने यहाँ बाइक अपनी पार्क की है, बस अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर रात डिनर के लिए बारबेक्यू की सेटिंग करते हैं, फिर रेस्ट करेंगे, फिर सुबह आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। सारी
ये क्रिसमस का ट्री है क्या? ये हमारे तिक्के लग गए लाल लाल तो वाले हैं। तो भाई ये देख लो सब कुछ रेडी है और बारबेक्यू भी तकरीबन बन चुका है। गाइस फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया लेकिन चलो। ये दिखता है हमारा कढ़ाई, बस बाकी कढ़ाई ले आओ यार। दिखा ना अच्छा यार। ओए होए कैसे बना भाई लोग वीआईपी। जल्दी फोकस करो, चलो थोड़ा ऊपर ले आओ थोड़ा सा। ये